बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बनाना जा रहे हैं चना चाट। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, उसके अंदर एक बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया, पुदीना, दो बारीक कटे हुए आलू, खीरा, टमाटर, बंद गोभी, चुकंदर। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे, बंद गोभी, चुकंदर और खीरा। आई एम ऑल्सो डाइट कॉन्शियस, सो आई एम एडिंग ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही, जिसके अंदर मैंने चाट मसाला और नमक पहले से ऐड करके रख लिया है, और इसके साथ सबसे मेन एलिमेंट है हमारे पास चने। चले आए इनकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चने, उसके बाद एक एक करके हम अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये चली गई इसके अंदर प्याज, आलू, उसके बाद गए इसके अंदर खीरे, साथ में टमाटर। बाउल्स को अच्छी तरह से साफ किया करें, अल्लाह ताला करे इसको ज़ाया ना। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बंद गोभी, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे चुकंदर, हरा धनिया, जितना आपको पसंद है उतना आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा ज़्यादा मिकदार के अंदर ऐड करती हूँ। उसके बाद हम डालेंगे इसमें पुदीना, और सबसे एंड पे हम इसके अंदर डालेंगे दही। दही आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अंदर ज़्यादा डालें, और अगर आप इसको आपको कम पसंद है तो कम डालें। अब हम इसको मिक्स करते हैं। दही को ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें हमने जो चीज़ें डाली हैं उसकी मिकदार आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि दही की मिकदार आप अपने हिसाब से रखें, और बाकी तमाम चीज़ें भी आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये चीज़ देखें, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, हमारा चना चाट तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हमारी चना चाट तैयार है, और हमने इसको अपने इफ्तार मेन्यू के अंदर रख लिया है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।